greetings to all my dear students so students as we have started a topic tenses and we have moved on the third type that was future tense and there were four categories of future tense and we have completed with the three categories of future tense the first was simple future tense or future indefinite the second was future continuous tense and the third was future perfect tense so now it's time to move for the fourth one that is future

पढ़नी ही है पूरा पढ़ना है कुछ छोड़ना नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरह के भी कोई टेंस होता है इन दिस एन ऑक्जलरी वर्ब इज़ यूज इसमें ऑग्जलरी वर्ब यूज होती है और जिसकी मेन वर्ब यूज होती है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है जो कि आई एन जी लगती है प्रेजेंट फॉर्म में जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसको और अच्छे से समझते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की हेल्प से सो डियर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू पुट सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है फिर हमें विल लगाना है और विल के बाद हैव बीन देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी अपनी दो वीडियोस में एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो में सिंस और फॉर के बारे में बताया था आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा बट जो स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हैं या जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फॉर देम आई विल गोइंग टू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ सिंस एंड फॉर तो एक बार देख लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं से बेसिकली सेंस ऑफ फॉर का मतलब समय से होता है कि इतने बजे से वो काम चल रहा है चल रहा था या चलेगा ठीक है तो आप एक बार देख सकते हैं सिंस हम बेसिकली यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पर्टिकुलर समय के लिए निश्चित समय के लिए तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं जैसे कि आप पर्टिकुलरली बात करें सिंस मंडे सिंस ट्यूसडे सिंस संडे या फिर मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून या नाइट तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं तो चलिए अब प्रेपोजिशन फोर को थोड़ा सा समझते हैं सो डियर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये पर्टिकुलर एक टाइम के गैप को एक समय के अंतराल को अवधि को बताता है जैसे कि अगर हम बात करें टू आवर्स या टू डेज और टू वीक्स सो कौन से टू वीक्स जिनके बारे में हम बात करें हमें नहीं पता तो इसीलिए ये एक गैप को बताता है ओके okay, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आप अच्छे से समझ लीजिए इनको और अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो में जाकर देख सकते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके डियर स्टूडेंट्स सो चलिए अब हम हाँ अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां लिखा हुआ है साफ साफ राम घूम रहा होगा इसमें समय से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई है तो राम घूम रहा होगा राम विल बी वॉकिंग नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें राम दो बजे से हो रहा होगा इसमें राम विल हैव हाँ बीन वॉकिंग फॉर टू आवर्स हमने यहाँ फॉर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हमें नहीं पता कौन से दो घंटे एक और एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं वो खेल रही होगी शी विल बी प्लेइंग बिल्कुल सिंपल सा है हमने बोला समझा और खत्म किया वो सुबह से खेल रही होगी अब सुबह से खेल रही होगी से आ गया She will have been playing since morning. अब यहाँ हमने since का क्यों प्रयोग किया है क्योंकि हमें पता है morning एक fixed time है Okay dear students. So let's have a look on the negative tense. So students, आपको में भी कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है subject, will, और 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 के के तुरंत बाद बाद आपको आपको लगाना लगाना है है तो ये याद रखना और और से पहले आपको not लगाना है, और बाकी पूरा sentence वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे कि देखते हैं राम दो घंटे से नहीं घूम रहा होगा राम विल नॉट हाँ आवर्स वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी शी वॉन्ट हाँ आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं जैसे कि आप लिखते हो विल और फिर लिखते हो नॉट तो इसको अगर आपको साथ लिखना है तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे वॉन्ट तो ये जो वॉन्ट का प्रयोग यूज हमने यहाँ किया है ये विल और नॉट को जोड़ कर किया है ओके डियर स्टूडेंट्स सो नाउ वी विल गोइंग टू मूव ऑन द इंटेरोगेटिव टेंस ओके सो डियर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हमारा इंटेरोगेटिव टेंस स्टार्ट होगा डब्ल्यू एच फैमिली से उसके बाद आपको ध्यान रखना है जस्ट आफ्टर डब्ल्यू एच फैमिली आपको अपना ऑक्सिलरी वर्ब विल यूज करना है आफ्टर दैट सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हैव बीन पर बेटा अगर आपके इंटेरोगेटिव टेंस में कोई नेगेटिव टेंस है कभी कभी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछते वक्त भी नॉट का प्रयोग हो जाता है तो आपको आपके सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट को लगा देना है अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो इंटेरोगेटिव में नेगेटिव है तो कंफ्यूज नहीं होना कि हम कहाँ नॉट लगाए आपको तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगाना है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब तो सबसे आगे चली गई डब्ल्यू एच फैमिली के बाद उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर्म मैं बता चुकी हूँ टाइम चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं राम दो घंटे से कहाँ घूम रहा होगा वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर टू आवर्स ओके वो कब से खेल रहा होगा सिंस वेन विल ही हैव बीन प्लेइंग ठीक है तो इस तरीके से आप अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी फॉर्म कर सकते हैं सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज लर्न विथ चेष्टा मालवानी हिट द लाइक बटन हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माई कमिंग वीडियोज एंड फॉर श्योर लीव अ कमेंट Okay students, bye bye!